हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। एक यूं कहते हैं कि जो हवन करते हैं उसको घर के अंदर करो, इसका धुआं बिल्कुल बाहर नहीं निकले। तो घर के अंदर कभी हम लोग को बाहर भी कर लेते हैं, घर के लॉन में बैठ के, वो तो वातावरण की शुद्धि के लिए है जी। जो घर में धुनी रखनी है, हवन पक्के कमरे में रख दिया जाए जी। माता जी का प्रश्न है कि हम यज्ञ करते हैं वो सामान्य रूप से कहा जाता है घर के अंदर करना चाहिए, घर की धुनी बाहर नहीं जानी चाहिए, और हम कई बार गार्डन में भी बैठ के करते हैं यज्ञ। देखिए, यज्ञ एक अलग चीज है और जो हम देव यज्ञ करते हैं वो अलग चीज है। देव यज्ञ अग्निहोत्र हमें अपने घर के अंदर ही करना होता है, खिड़की दरवाजे आदि खोल करके और घर के अंदर करेंगे तो उसका हमें विशेष लाभ होगा। घर के अंदर की वायु बाहर निकलती है गर्म होकर के, बाहर की ताजी वायु अंदर आती है और वो भी मेडिकेटेड बनती है, और घर का पूरा का पूरी जो वस्तुएं और वायु से लेकर के सब का शोधन हो जाता है, शुद्ध हो जाती है, और उस वायु के अंदर आप दिन भर रहते हैं तो वो वायु आपके श्वास, स्पर्श, खान पान के माध्यम से आपको उत्तम आरोग्य देने वाली होती है। इसलिए अग्निहोत्र को तो अंदर ही करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर धुआं ही नहीं जाना चाहिए। खिड़की दरवाजे आदि खोल दीजिए और उसके बाद कीजिए और घर के अंदर कीजिए। और कभी हमने गार्डन में बैठ करके कर लिया, कहीं और जगह पे कर लिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कभी बीच बीच में, कभी कहीं, कभी कहीं भी कर लिया, लेकिन घर में जरूर करना चाहिए। और अग्निहोत्र यज्ञ करने के बाद फिर उसमें अग्नि शांत हो गई, उसके बाद अंगारों के ऊपर गुगुल की धुनी और गाय की घी की धुनी जरूर करनी चाहिए। और यदि रोग विशेष और अलग अलग वो हैं तो उसके अनुसार वो उद्देश्य के हिसाब से अलग अलग द्रव्य डाल करके उसकी धुनी भी हम विशेष रूप से कर सकते हैं और करनी चाहिए। मेरी एक मामी है, उनको नींद बिल्कुल भी नहीं आती, वो सोती नहीं है, तो नींद आई वो बड़ी परेशान रहती है। मुझे भी कभी ना गहरी नींद आके तो देखे, तो किसकी ध्वनि करनी चाहिए जी। माता जी का प्रश्न है कि उनके संबंधी एक माता जी है, उसको नींद ही नहीं आती, 52 साल की है और नींद ही नहीं आ रही, तो क्या करें? देखिए, जिस विधि से आज मैंने यज्ञ कराया और इसी प्रकार हमने विधि यूट्यूब के ऊपर डाली, आप इस विधि से एक तो हवन कराइए, दूसरा आप मेध्य हवन सामग्री प्लस श्वेत चंदन, ये हमारे पास रखी हुई है, ये मेध्य हवन सामग्री है और ये श्वेत चंदन है। मेध्य हवन सामग्री और श्वेत चंदन, इन दोनों को आपस में बराबर मात्रा में, मेध्य हवन सामग्री आधा किलो है तो उसमें आधा किलो श्वेत चंदन मिला दीजिए। इन दोनों को मिला करके और उसमें थोड़ा सा मालकांगनी का तेल गाय के घी के साथ युक्त करके थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, और उस सामग्री से ये विधि पूर्वक जो आज हमने यज्ञ किया उस विधि पूर्वक यज्ञ करें, और उसके बाद 51 या 108 गायत्री मंत्र से विशेष आहुतियां दे, जहां पर उसका बेडरूम है, जहां पे वो रहते हैं वहीं पर वो यज्ञ करें, गाय के गोबर के उपलोका या स्टिक का विशेष रूप से प्रयोग करें, और हवन करने के पश्चात उसी हवन सामग्री श्वेत चंदन के साथ जो हमने तैयार की वही हवन सामग्री गाय के घी के साथ डाल करके और थोड़ा सा गुगुल रख करके उसकी हल्की हल्की धुनी करें। गुगुल, श्वेत चंदन, मेध्य हवन सामग्री और गाय का घी, इनको मिक्स करके और अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करें, और उस धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके अनुलोम विलोम जितना ज्यादा हो सके उतना करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, उद्गीत ओम का उच्चारण करें, ये दो तीन चीजें उस वायुमंडल में बैठ करके एक घंटा बिताए उस धुनी वाले वायुमंडल में, हो सके तो और भी अधिक, ना हो तो एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम इस प्रकार यज्ञ करके करें, और
जो गाय का घी, अब ये हमने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद ये गाय का घी बच गया है, इसको छान करके रख ले और इस गाय के घी को नासिका के अंदर दो दो चार चार बूंदे दिन में 2 से 3 बार डाले। इतना करिए आप देखेंगे 3 से 7 दिन में उनको ऐसी नींद आएगी कि आपको उठाना पड़ जाएगा। जी माता जी प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न? प्रणाम माता जी। सविता बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप तो जानते हैं कि तो डायबिटीज के लिए अलग से सामग्री होती है क्या हवन की? हाँ, डायबिटीज के लिए मधुमुक्ता हवन सामग्री होती है। मधुमुक्ता हवन सामग्री से विशेष रूप से ये है मधुमुक्ता हवन सामग्री। आप उसके द्रव्य भी लिख सकते हैं, गुड़मार, नीम, कालमेघ, मेथी, दालचीनी, अश्वगंधा, नील, हरड़ छोटी, गिलोय, बहेड़ा, हल्दी, चिरायता, जामुन की गुठली, काली जीरी, कचूर, वासा, कुटज, ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं। इन जड़ी बूटियों के सम्मिश्रण से ये मधुमुक्ता हवन सामग्री है। उससे हवन और उसके बाद उसकी धुनी और उसमें बैठ करके रोगानुसार योगाभ्यास अर्थात मधु डायबिटीज के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम और मंडूक आसन आदि प्राणायामों का विशेष रूप से अभ्यास करने पर डायबिटीज बिल्कुल क्योर हो जाती, कंट्रोल नहीं क्योर। फिर आपको कुछ 1-2 महीने ये सब करने के बाद आपको किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं होती। और बहुत ज्यादा यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप शुरुआत में अपने जो मधुग्रीट और मधुनाशिनी वटी आदि कुछ डायबिटीज के लिए जो बनी हुई है आयुर्वेद की औषधियां उसको आप ले और कुछ दिन के बाद आपको वो भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमने देखा जो जो 40-40, 50-50 यूनिट से भी ज्यादा इंसुलिन सुबह और शाम लेते हैं वो भी सप्ताह से लेकर के 1 महीने के अंदर नॉन डायबिटीज पेशेंट बन जाते हैं इतना करने पर। जी उसमें नहीं मिलेगा, वो आपको ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कोडरमा झारखंड से। कोडरमा झारखंड से, कोडरमा स्वामी जी आप जी बात। तो आपको जो है उसको ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा, अपने घर पे आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन सीधा। हाँ मिला सकते हैं, निश्चित रूप से प्रयोग कर सकते हैं गिलोय का। बहुत बहुत धन्यवाद नारवारी जी। क्या स्वामी जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे पीसीओडी जो है अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, काफी उसको है, मैं भी उसी से गुजर रही हूँ, तो मुझे ये पूछा था कि यज्ञ चिकित्सा में कोई ऐसी विशेष सामग्री यूज कर सकते हैं जो जिससे उसका लाभ हो? जी देखो, अभी वर्तमान में पीसीओडी की समस्या जैसे दीदी जी ने कहा आज सबसे बड़ी मात्रा में बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में, और इसको हम कैसे बच सकते हैं पहले तो, और दूसरा हो गया तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आप 2 चीजें जरूर कीजिए। एक तो पहला, आप अपने जीवन में प्रतिदिन यज्ञ को अपनाइए, प्रतिदिन हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए और यज्ञ करने के बाद गुगुल और गाय के घी से धुनी कीजिए, और हो सके सामग्री के अंदर संतत्येष्टि या फिर गर्भधा जो हवन सामग्री होती है उस सामग्री का प्रयोग कीजिए, और उस वायुमंडल में आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान और कुछ आसनों का अभ्यास अवश्य करें, और इतना करेंगे तो आप देखेंगे जिनको समस्या हो गई है 2 से 3 महीने लगातार ये 2 चीजें करने पर, यज्ञ और यज्ञ के बाद ये धुनी और उस वायुमंडल में बैठ करके योगाभ्यास 1.5 से 2 घंटा प्रतिदिन ऐसे कर लेते हैं 2 से 3 महीने के अंदर पीसीओडी की समस्या से मुक्ति मिलती है। दूसरा, जिनको है नहीं वो प्रतिदिन यज्ञ और योगाभ्यास करे तो कभी होगी नहीं, तो ये अवश्य ये 2 चीजें अपने जीवन में अवश्य स्थान दे तो आप इस समस्या से ऊपर उठ जाएंगे। एक है संतत्येष्टि हवन सामग्री या फिर गर्भधा हवन सामग्री, दोनों में से कोई भी सामग्री आप प्रयोग कर सकते हैं।
संतत्येष्टि गर्भधा। नमस्ते स्वामी जी, धन्यवाद। नमस्ते। आदरणीय निर्मल कुमार झा, प्राणायाम योगाभ्यास रोगानुसार अवश्य करना चाहिए इस पवित्र शुद्ध और मेडिकेटेड एयर के अंदर, तो उसका विशेष लाभ हमें मिलता है। जी बताइए। मेरा प्रश्न था कि ये किडनी की समस्या है और शरीर के सारे नस जो है वो काफी कमजोर हो गए, तो इस वजह से बैठ करके ये करने में असमर्थ है, तो तुरंत तत्काल लाभ पाने के लिए किस तरह से यज्ञ को शुरू करें और उसमें किस किस तरह के सामग्री का इस्तेमाल करें ताकि नस नाड़ी कम मतलब मजबूत हो जाने के बाद उसे उसको ठीक ढंग से यज्ञ कर सके। अभी बैठने में काफी परेशानी होती है, इसलिए यज्ञ की जो पूरी विधि आपने बताई वो कर नहीं पाते, पूरी विधि में करने के लिए नस नाड़ी किस तरह से मजबूत हो सके और कौन कौन सी सामग्री को यूज करें ताकि किडनी में और नस नाड़ी में लाभ हो। जी, किडनी में क्या प्रॉब्लम है? किडनी फेल होकर के ट्रांसप्लांट हुआ है और नस नाड़ी काफी कमजोर है। जी जी, आप बाबूजी का प्रश्न है कि पूरा नर्वस सिस्टम वीक हो गया है और किडनी फेल हो गई और ट्रांसप्लांट कराए हैं, तो अब हम क्या करें कि वो वीकनेस भी दूर हो जाए और किडनी भी हमारी ठीक से कार्य करती है। तो इसके लिए आप एक प्राणेष्टि हवन सामग्री है और एक वातारी हवन सामग्री है। प्राणेष्टि हवन सामग्री और वातारी दोनों को मिला करके हवन करें, गाय के घी और जैसे हम गाय का घी लेते हैं हवन के लिए, उसमें आप 50% तिल का तेल मिला दें और ये जो सामग्री है उसके अंदर भी काले तिल 25% 10% मिला दें, 10-25%, और उससे हवन करें और हवन होने के बाद वही हवन सामग्री और गाय के घी को अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करें गुगुल के साथ विशेष रूप से, और उस धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके अनुलोम विलोम कपाल भाती भस्त्रिका आदि जो प्राणायाम का पूरा क्रम है उसको करिए और उसके साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम आदि और हल्के हल्के जो आसन आप जो जो कर पा रहे हैं उतना करने का प्रयास करो। ऐसे निरंतरता के साथ चालू रखेंगे तो आपको बहुत कम समय के अंदर ही पूरा नर्वस सिस्टम ताकतवर बनने लगेगा और धीरे 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 आप सारी क्रिया कर पाएंगे। और अभी आप नहीं बैठ पाते हैं तो एक बड़ा सा टेबल बना करके उस टेबल के ऊपर वेदी को रख करके और सामने आपका खुर्ची या ऐसे कुछ रखिए, लेकिन वो वेदी के नीचे हो, वेदी उससे ऊपर हो, हवन कुंड ऊपर हो, ऐसे रख करके आप हवन करिए और इस का विशेष रूप से प्रयोग कीजिए। और गोखरू, किडनी की प्रॉब्लम के लिए गोखरू आप उस सामग्री में विशेष रूप से मिला सकते हैं, गोखरू के बीजों को, और इसी प्रकार गोखरू के बीजों को ही उबाल करके या पानी में भिगा करके उसी का पानी आप दिन भर जो भी पानी पीते हो उसी का पानी लेंगे तो आपको और विशेष लाभ मिलेगा। जी अगला प्रश्न। नमस्ते, प्रणाम। अच्छा, बोन टीबी के लिए एक स्पेशल उसकी विशेष हवन सामग्री आती है यक्ष्माहर करके, ये आप देख पा रहे हैं मेरे सामने है, ये यक्ष्माहर हवन सामग्री है, इसको आप मंगा ले सीधा ऑनलाइन और आप इस यक्ष्माहर हवन सामग्री के अंदर जो द्रव्य है वो लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, मुलाठी, जटामासी, नागरमोथा, गुंजा, काली मिर्च, पिपली, इलायची छोटी, तुलसी, गुगुल, ये कुछ विशेष द्रव्य हैं, उसके सम्मिश्रण से बोन टीबी या और भी किसी भी प्रकार की कोई भी टीबी है तो उसके उपचार में विशेष करके लाभकारी होती है। तो ये टीबी के लिए यक्ष्माहर हवन सामग्री, अभी जैसे बाऊजी भी पूछ रहे थे, आप भी पूछ, और भी लोग पूछ रहे हैं, तो और वो झारखंड वाली माता जी भी पूछ रही थी, तो देखिए ये सारा का सारा जो सामान है वो अभी पतंजलि योगपीठ के सभी स्टोर के ऊपर उपलब्ध नहीं है रोगानुसार हवन सामग्रियां, तो आप सीधा इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, उसके लिए एक नंबर है, वो नंबर आपको कमेंट में डाल देते हैं और उन नंबर के ऊपर आप कॉल करके और विशेष रूप से आप अपने घर पे मंगा सकते हैं इन सामग्रियों को और इन सामग्रियों का विशेष रूप से आप प्रयोग ले सकते हैं और
आप को जो भी परामर्श आदि की भी आवश्यकता हो वो भी आप इस नंबर के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं, और सामग्री भी, ये मैंने अभी नंबर डाला है, और आप सभी लोग लिख भी सकते हैं 9870977399। दोबारा मैं एक बार दोहरा रहा हूं, 9870977399। इस नंबर के ऊपर कॉल करें, और जो भी आपको हवन कुंड, जैसे मैं हवन कुंड में हवन कर रहा हूं, ये श्रू चम्मच, ये सब जगह पे मिलता नहीं है, और ये गाय के घी का देखो, ये इस प्रकार का पात्र, और ये आचमन पात्र से लेकर कलश से लेकर के दीपक से लेकर के, ये सारा जो हवन के लिए आवश्यक सामान होता है, पात्र आदि, वो भी आपको इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके सीधा अपने घर पे मंगा सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग यज्ञ को स्वयं भी अपना रहे, वो लोग को भी अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखिए, यज्ञ ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि हमें रोगों से बचाता भी है, और हो गया तो उससे ठीक भी करता है, और आध्यात्मिक लाभ, सामाजिक लाभ, हमारे शुभ कर्माशयों का उदय से लेकर अनेक प्रकार के जो लाभ हैं वो इसके माध्यम से संपन्न होते हैं। तो आज बहुत सारा टाइम हो गया है और आपसे विदा लेने की वैसे तो इच्छा हो नहीं रही है, लेकिन समय की अपनी एक सीमा रेखाएं हैं। तो मैं आप सभी योगी साधक भाई बहनों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आप सब लोग इसी प्रकार से हम सब मिलकर के हर रविवार को हरिद्वार से हरिद्वार बने यज्ञीय परिवार इस कार्यक्रम को जन जन तक, घर घर तक पहुंचा पाए, धीरे धीरे इसको बहुत ही विशेष रूप से आगे बढ़ा पाए, जिससे सब लोग इस हमारी ऋषियों की विधा और विद्या यज्ञ को स्वयं सीखे, और अपने घर में स्वयं यज्ञ करके, हरिद्वार आते हैं लोग हरि के द्वार, उसकी जगह पे हम हरिद्वार से हर द्वार यज्ञ करके अपने घर का ऐसा द्वार बने कि स्वयं हरि हमारे द्वार आए, ऐसा हर घर हर परिवार को हम बनाए, ऐसे संकल्प के साथ मैं आप सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग सीधा बैठते हुए ओमकार का उद्घोष करते हुए हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही ओम। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओ श्वासामृत, श्वासामृत जो हवन सामग्री है उसके अंदर देवदारू, जैसे ये हमारे सामने रखा हुआ है, इसको देवदारू कहते हैं। देवदार एक पेड़ विशेष की लकड़ी होती है, इसके अंदर विशेष ऑयल्स भी पाया जाता है, तेल पाया जाता है, और जब हम अग्नाधान करते हैं तो उस समय हम कपूर आदि का प्रयोग करते हैं। तो कपूर की जगह पर आप इसकी लकड़ी को एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के, और उसको भी दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करके आप वेदी के मध्य में रख सकते हैं। ये बहुत कपूर की तरह ही बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से जलता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑयल पाया जाता है, और वह जो ऑयल है वो अस्थमा दमा से लेकर के जो श्वास से संबंधित बीमारियां होती हैं उनको दूर करने के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। तो यह देवदारू, तो आज हम कपूर की जगह पर विशेष रूप से आपको इस लकड़ी के माध्यम से दीप प्रज्वलन करके हम दिखाएंगे, बताएंगे। दूसरा है हल्दी, हरिद्रा जिसको बोलते हैं, हरिद्रा खंड जिसको बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं। ये हल्दी है हमारे सामने जो हम खाते हैं अपने घर में, टर्मरी जिसको बोलते हैं, जिसका चूर्ण करके हम अपने घर में प्रयोग लेते हैं, और आज पूरी दुनिया ही एंटीबायोटिक के रूप में और विशेष रूप से दूध में इसको डाल करके और दूध को उबाल करके और फिर उसका सेवन करना, इस प्रकार का इसका लाभ
अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग रूपों में देखा गया है। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी जो कंद होते हैं, जमीन में होते हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठतम पदार्थों के अंदर दूसरे नंबर पर यह हल्दी को गिना है। पहले नंबर पर अदरक और दूसरे नंबर पर यह हल्दी आती है। तो यह दूसरी हल्दी श्वासामृत हवन सामग्री के अंदर दूसरा है हल्दी, पहला है देवदारू। आप लिख सकते हैं अपने घर में भी इन जड़ी बूटियों को लेकर के आप हवन सामग्री बना सकते हैं और हवन कर सकते हैं। अन्यथा आप तैयार यदि लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है, तो आप ऑनलाइन भी अपने घर पे मंगा करके और इस सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला है देवदारू, दूसरा है हल्दी, तीसरा है तेज पत्ता। यह हमारे सामने हमारे पास तेज पत्ता रखा हुआ है। यह तेज पत्ता हर किसी के घर में होता है, हर कोई दाल बनाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। इसमें भी एक विशेष प्रकार का ऑयल पाया जाता है और वह जो ऑयल होता है वह विशेष करके हमारे श्वास से संबंधित ही रोग नहीं अपितु अनेक प्रकार के रोगों की शांति के लिए विशेष करके लाभप्रद और उपयोगी होता है। और यहां तक देखा गया है कि इस पत्ते के ऊपर थोड़ा सा नीम का ऑयल और उसके ऊपर कपूर लगा करके इस पत्तों को यदि हम जला दें तो मच्छर से जो प्रताड़ित स्थान होता है, जहां पे बहुत अधिक मात्रा में मच्छर होते हैं, वह भी दूर हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो श्वास से संबंधित जितने भी रोग हैं उनसे हमारा बचाव होता है। और यदि वो रोग हो चुके हैं तो उससे भी हमें शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। उसके बाद है गुगुल। यह हमारे पास गुगुल रखा हुआ है, यह मैं आपको प्रतिदिन बताता रहता हूँ। और नतम यक्ष मारुंतते नैनम सफथो अश्नुते यम भेषज से गुलगुल और सुरभिर गंतो अश्नुते। जिस व्यक्ति को इस गुगुल की धुनी मिलती है, जिस व्यक्ति को इस गुगुल का जलने के बाद जो ऊर्जाएं उत्पन्न होती है वो प्राप्त होती है, उसको यक्ष्मा राजयक्ष्मा अर्थात जो सूक्ष्म रोग कहे गए, गंभीर रोग कहे गए हैं, वह रोग भी कैसे उनको हो सकते हैं, किसी भी रोग से वो कैसे प्रताड़ित हो सकते हैं, किसी भी रोग से उनको कैसे पीड़ा प्राप्त हो सकती है, इस प्रकार से बताएगा। और इसी प्रकार प्राकृतिक पांच तत्वों के संतुलन के लिए भी इस गुगुल का प्रयोग, घृत गुलगुलो होमेच, घृत और गुगुल के होम से सर्वोत्पादादि मर्दनम का सभी प्रकार के उत्पाद शांत हो जाते हैं। गुगुल के बाद यह हमारे पास है राल, गुगुल के बाद ये है लाख, एक है हमारे पास राल, यह है लाख। ये लाख एक कीड़ा विशेष होता है और वह पेड़ एक विशेष होता है, उसके माध्यम से यह उत्पन्न होता है। और ये कई सारे चीजों में यह प्रयोग में आता है, कुछ चीजों को चिपकाने आदि के रूप में भी इस लाख का प्रयोग लेते हैं। और विशेष करके आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी लाख के अनेक गुण बताए गए हैं, उसमें से कीटाणु रोधक बैक्टीरिया आदि को नाश करने के लिए भी, और जो वायु प्रदूषण है उस वायु प्रदूषण से भी बचने के लिए जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में सुश्रुत संहिता में विशेष रूप से राल लाख गुगुल वच, जैसे हमारे सामने वच रखी, घुड़वच रखी हुई है पहली ही, तो ये घुड़वच आदि आदि फूल प्रियंगु आदि कई सारे ऐसे द्रव्य हैं जिनके मिश्रण से, वो भी मैं आपको लिखाऊंगा, उसको अंगारों के ऊपर डाल करके जो धुनी उठती है उस धुनी को वायुमंडल के अंदर प्रसरित करने से वायुमंडल के अंदर जो विषाक्त गैसों का बढ़ना या प्रदूषित होना जो होता है वह भी शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है, इस प्रकार का भी गुण। तो यह है हमारे पास लाख। इसी प्रकार से यह राल है। राल साल एक पेड़ कहा जाता है, विशेष करके छत्तीसगढ़ आदि या उड़ीसा आदि में विशेष रूप से इसके पेड़ पाए जाते हैं। उसका यह गोंद होता है, साल पेड़ के गोंद को राल बोलते हैं। और इस राल की धुनी से बच्चों के रोगों को दूर करने से लेकर के वायु को शुद्ध करने से लेकर के अनेक प्रकार के श्वास संबंधी रोगों को दूर करने में विशेष करके ये लाभकारी होता है। और उसके बाद ये हमारे पास रखा हुआ है खस। आप सभी लोग खस का शरबत पीते हैं, ये शीतल होता है, ठंडा होता है। और इस खस की धुनी से या खस के जलने पर जो गैसें उत्पन्न होती है इसका भी एक विशेष ऑयल बनाया जाता है, वह भी विशेष अलग अलग रोगों के लिए उपयुक्त तो होता है। तो ये जो खस है उसका प्रयोग भी विशेष रूप से इस श्वासामृत हवन सामग्री के अंदर हमने किया है। अर्थात यह जो मेरे सामने दो दो चार दो छः और सात, इन सात जड़ी बूटियों को मिला करके हमने एक श्वासामृत हवन सामग्री का निर्माण किया है, जो विशेष रूप से अस्थमा, श्वास का फूलना, हिचकी, सर्दी, नजला, एलर्जी
आदि जो रोग हैं उन रोगों को दूर करने में बहुत विशेष रूप से सहायक होते हैं या विशेष रूप से लाभप्रद होते हैं उन रोगों को शांत करने के लिए या उन रोगों को दूर करने के लिए। तो ये स्वासामृत हवन सामग्री का थोड़ा मैंने परिचय कराया, आप अपने घर में भी इसको बना सकते हैं। और यह हवन सामग्री के अंदर देवदारू, हल्दी, तेजपत्ता, गुग्गुल, लाख, एरंड के जड़ भी हम इसमें ले सकते हैं, राल, खस, इनसे निर्मित यह स्वासामृत हवन सामग्री का निर्माण हुआ। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है, तो आइए हम संकल्प लें संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।